अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको काले मां बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि दाल मखनी जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये दाल का इस्तेमाल किया है। 1 कप मेरे पास ये दाल है, ये देखिए ये वाली, और इसके अंदर मैं डालूंगी रेड किडनी बीन्स है मेरे पास 2 टेबलस्पून मैंने ये लिए हैं। मसालों में जो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, 1.5 चिली पाउडर मैं यूज करूंगी, और 1/2 टीस्पून में टर्मरिक पाउडर इसके अंदर मैं यूज करूंगी, और सॉल्ट मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि जो सॉल्ट है वो अपने हिसाब से डाला करें, ठीक है। इसके अलावा मैं इनके अंदर यूज करूंगी जिंजर, क्रश जिंजर। इस तरह से मैंने पहले से ये रेडी करके मैंने रख लिया है, आप भी इस तरह से क्रश कर लीजिएगा। इसको 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, और इसके अंदर मैं डबल क्रीम यूज करूंगी। अगर आप इसके अंदर सिंगल भी यूज कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप डबल ही क्रीम हो तो वही यूज करें। गार्निश के लिए मैं कोरिएंडर लूंगी, और ये चिली है मेरे पास, ये मैंने ऑलरेडी पहले काट के रख ली है। आपने ये करना है कि ये मैंने 2 टेबलस्पून रखी है, 1 टेबलस्पून हम दाल के अंदर डालेंगे, और 1 टेबलस्पून जो है वो गार्निश के लिए इसके साथ धनिए के साथ डालेंगे। और ये साबुत लाल मिर्च है, ये देखें, ये तकरीबन मैंने 4 to 5 ली है। 1.5 टीस्पून मैंने जीरा क्यूमन सीड लिए हैं, ये मैं गार के लिए इसके अंदर सबसे एंड में तैयार करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों चीजों को अच्छी तरह धो के तो मैं प्रेशर कुकर में इनको डालूंगी। ठीक है, वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये ऑनियन, ये डाल देंगे, और तकरीबन मैंने इसके अंदर 5 कप जो है पानी के ऐड किए, क्योंकि दाल, इस दाल के अंदर थोड़ा सा पानी अगर आप ज्यादा ऐड करेंगे कि प्रेशर कुकर में लगने का जो खदशा होता है वो कम होता है। अगर आप आम यूज कर रही हैं, इसको वैसे ही रख रही हैं, तो फिर ये पानी जो है अपने हिसाब से तकरीबन 4 कप लिए, ठीक है। ये दाल जो है थोड़ा घुलने में टाइम लगाती है, तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम, टेबलस्पून क्रीम डाल के इसको हम मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैं ग्रीन चिली ऐड करूंगी, और कोरिएंडर डाल के मैंने इसको एक साइड पे सेपरेट रख लिया है। तो अब इसके अंदर बगार डालेंगे हम। बगार के लिए मैंने आपको जो चिली और ये बताया था जीरा साबुत, ये बगार रेडी है। अब मैं इसके ऊपर ले लूंगी, तो बस मैंने ये अब इसके ऊपर आप गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा आप यूं धनिया डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें यूं डालिएगा। तो ये हमारी दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये बहुत इजी रेसिपी आपको